हमारा अड्डा है। जब भी मैं इधर अपने घर पे आती हूँ तो आपके साथ अड्डा जो हम बनाते हैं वो लाजमी शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी आई हुई है दुल्हन की मैक्सी, कितना प्यारा काम सिला हुआ है, आप प्यारा काम सिला हुआ है और मेहरून कलर है दुल्हन की मैक्सी, कितना खूबसूरत लग रहा है इस पे काम सिला हुआ। माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की जिंदगी, कैसे आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज मैं अपने घर पे हूँ और ये जोहा आई हुई है, पिचका दिया मेरे को। तो दोस्तों अभी हम तैयारी कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए। आपको पता है नानी का नया घर बना था, तो नानी जो है आज यासीन शरीफ करवा रही है, तो मैंने सोचा चलें व्लॉग हम नानी के घर पे भी बना लेंगे, आपके साथ शेयर कर लेंगे, मज़ा आएगा, सारी खाला आएंगी, सारे कज़न, हम मिल के व्लॉग बनाएंगे, यासीन भी पढ़ेंगे। अगर कमरे में ये देखिए, ये मेरी अम्मी लगा रही हैं जोड़, ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए दोस्तों मेरी कमीज़ ना ये बहुत ज़्यादा ऊँची हो रही थी, तो ये देखिए ये मेरी अम्मी ने जोड़ लगाया है, ये आप देख सकते हैं जी, देखें। आप क्या कर रही हो? आप ही, मैं मोबाइल चला रही हूँ, हमारा नया मोबाइल आया, देखें कैसा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। इसका कवर नहीं लिया आप लोगों ने? अभी लेंगे कवर। अच्छा, व्हाट्सएप लगाया हुआ है आपने? तो हमारा नंबर है आपके पास? नहीं, आपका, मैं ना मोबाइल इसलिए लाई, मैं आपका नंबर लाना। अच्छा दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी नई सीढ़ी। ये क्या, ये कौन बैठा हुआ भाई इधर? ये देखे दोस्तों, ये जोहा बैठी हुई है इधर, देखे स्टूल पे खड़ी हुई है, खाला मिलो का स्टूल लाए थे हम, तो ये देखे ये जोहा खड़ी हुई है। आप ऊपर आ जाओ, ये देखिए दोस्तों कहाँ से झाँक रही है जोहा। दोस्तों आपको पता है हमने सीढ़ी ली, मैंने आपको पहले अपनी टूटी हुई सीढ़ी दिखाई थी, उसका हाल कितना बुरा हो रहा था, तो अब नई सीढ़ी आ गई, इतना मज़ा आता है, हम कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं। तो हमारे इधर मिलाद हुई थी कुछ दिनों पहले, तो हम ऊपर ही बैठे हुए थे और इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसे तो गुजारा होगा नहीं, क्योंकि पहले गर्मियाँ थी तो हमारी सीढ़ी थी नहीं, गर्मियाँ थी तो हमारे पास वो दूसरी वाली सीढ़ी थी, हम ऊपर जाके लेटते थे, सो भी जाते थे, फिर हमारी सीढ़ी टूट गई, तो अब गर्मी आ गई है जैसा कि आपको पता है, तो मेरे पापा ने बोला बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए मेरे पापा ने ये नई सीढ़ी ली है। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। आसिम कहाँ है? आसिम इधर आओ। आसिम कहाँ जा रहे थे आप? टैंकर आ रहा है ना, चलो अंदर आओ, टैंकर वाले अंकल आ रहे हैं ना, ऊपर आओ जल्दी, अंदर चलो, चीज लेके आए हो ना, चीज खा लो। तो मैं यासीन में जाएंगे जब हम लोग, तो मैं आपको बोलती रही हूँ, शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो शेयर करूंगी ब्लॉग, अगर टाइम नहीं मिला तो शायद नहीं भी शेयर करूँ। तो लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, कमेंट शेयर लाजमी कर लें। दोस्तों वो लल्ला लल्ला लोरी पढ़ के सुनाया आसिम ने आपको, और ये देखिए ये मेरे पापा हैं, नाइट पे से आए थे तो पापा सो रहे हैं। हमने आपको पता है आलू पालक बनाया था, तो आलू पालक आपको पता है कितना थोड़ा सा हो जाता है बनके, तो वो हमने रात में ही ख़त्म हो गया सारा, तो अब हम दोपहर के लिए सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चले हम सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है। दोपहर में देखे मेरे साथ सीढ़ी पे आके बैठ गया आसिम भी, आ जाओ नीचे। दोस्तों मैं आपको अपना अड्डा दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अड्डा है। जब भी मैं इधर अपने घर पे आती हूँ तो आपके साथ अड्डा जो हम बनाते हैं वो लाजमी शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अभी आई हुई है दुल्हन की मैक्सी, कितना प्यारा काम सिला हुआ है, आप देख सकते हैं अभी इसमें काफ़ी काम है, एक हफ्ता हो गया तकरीबन इसको आए हुए और इसमें बहुत ज़्यादा काम है, काफ़ी भरा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी काम इसमें बाकी रह गया है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ये सारा काम। देखिए इधर से तो अभी पूरा खाली है और इधर हमने ये पलथा दिया हुआ है, इसमें भी अभी काफ़ी काम बाकी रह गया है। देखिए कितना प्यारा काम सिला हुआ है और मेहरून कलर है दुल्हन की मैक्सी, कितना खूबसूरत लग रहा है इस पे काम सिला हुआ। अभी तो दोस्तों ये पूरी बनेगी तो भरेगी, फिर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ये आप देख सकते हैं अभी तो इसमें अधूरा काम सिला हुआ है, अभी भी ये बहुत प्यारी लग रही है। इधर हमारे ये हमने पानी रखा है बॉयल करने के लिए, हम दोपहर के लिए चावल बॉयल कर रहे हैं और हमारी गैस भी नहीं आ रही है, देखिए थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही है जिस पर हमने रख दिया है, गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और सबको भूख लग रही है, सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों सुबह हमने
केक खाए थे सबने, दो दो ना 5 रुपए वाले केक खाए थे, इसलिए सबको जल्दी से भूख लगने लग गई। मैंने इधर चावल उबालने के लिए रखे हैं, और अभी अहमद से मैंने 20 रुपए की पालक मंगवाई है। पालक जो है ना भुजिया की तरह बना लूँगी, क्योंकि दोपहर में तो गुजारा ही करते ना। तो और इधर बाहर मैंने पानी वगैरह भरा है, सरफ मंगवाया, और ये आसिम रजा के कपड़े और अम्मी का बुरखा धोने के लिए। बैठ के धो ले दोस्त, मैं कपड़े धो रही हूँ आसिम रजा के, और ये आसिम रजा जो है मुझे तंग कर रहे हैं। उनके कपड़े धो रही हूँ तो बोले मैं भी आपके साथ आके धुलवाता हूँ। ये पटरी पे बैठ गए क्या कपड़े, ये लो धो ले। पे ताला लगा हुआ है और एक पे ही कपड़ा बांधा हुआ है, आसिम रजा के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आसिम रजा जो है ना बार बार बाहर निकल जाते हैं। और ये दही, ये देखिए मैंने इनसे दही और पालक मंगवाई थी जो लेके आ गए। आप क्या कर रहे हो? ये काम कर रहे हो? कहाँ से लिए आपने पैसे? बट्टे में से लिए। क्या करोगे अब आप इन पैसों का? है फट जाएंगे, लाओ दो फटेंगे। आसिम ये कितने पैसे? दो। 100 रुपए के कपड़े सारे नीचे डाल दिए, अम्मी का बुरखा और आसिम को नया सूट में ऊपर डालने के लिए लेके आई हूँ धूप में। और हम ये हमारा ढक के अंदर खोल देते हैं, हम रात में इधर ढक देते हैं क्योंकि मेरी बहन नीचे सोती है ना तो उसको डर लगता है और हवा भी आती है। तो मैं ये ढक का कपड़ा हटा देती हूँ, अभी अंधेरा हो रहा है कमरे में। और ये देखिए यहाँ पे पापा नज़र आ रहे हैं आपको, पापा सो रहे हैं। दोस्तों चलें अब हम अम्मी का बुरखा जो है ना सुखा देते हैं इधर। आप देख सकते हैं इतनी कड़क धूप आ रही है ना, इधर फटाफट अम्मी का बुरखा सूख जाएगा। और आसिम रजा मेरे साथ आए, बोले आपके साथ मैं भी कपड़े डलवाऊंगा। और ये पापा की गाड़ी की चाबी इधर इधर अपने पास रख लो, बाद में जाते हैं दे देना। देख सकते हैं हमारे कपड़े जो है डल गए, इधर अम्मी का बुरखा उधर आसिम रजा का सूट। और हम चलते हैं जल्दी से नीचे, जल्दी से इसलिए क्योंकि हम सबको भी भूख लग रही है। और अलीजबत जो है स्कूल गई थी, सुबह नाश्ता नहीं करके गई थी, वो आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। तो आइए हम सबसे पहले नीचे चल के पालक काट लेते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बोला कि हम पालक काट लेते हैं, वैसे पालक तो मैं ही काटूंगी लेकिन आपके साथ शेयर लाजमी करूंगी। दोस्तों देखिए हमने अपने चावल बॉयल कर लिए हैं, मेरी छोटी आपिस जो है वो अड्डे का काम बना रही है, और मैं इधर पालक काटने के लिए बैठ गई हूँ। और आसिम रजा चरपाई के नीचे घुस के रो रहे हैं, बोल रहे हैं पालक मैं काटूंगा और छुरी बहुत ज्यादा तेज है। और अलीजबा भी आने वाली है, सुबह नाश्ता नहीं करके गई थी तो उन्हें भूख लग रही होगी, तो हम पालक काट लेते हैं जल्दी से। दोस्तों कभी हमारे पास सालन नहीं होता ना तो हम ऐसे ना पालक की भुजिया बना लेते हैं, चावल उबले हुए ना इतना मजा आता है उसके साथ। दोस्तों वलीबा भी आ गई है, वो आके गुस्सा करेंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि अब मैं पालक काटने लग गई हूँ, व्लॉग की वजह से ना बहुत लेट हो गया खाना बनाने में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए ताज़े अगले व्लॉग के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।